दोस्तों होली आ रही है, क्या आप भी अपनी फोटो लगाकर होली की बधाई सबको भेजना चाहते हैं? तो कुछ नहीं करना है, आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पर, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पिक्सल लैब को ओपन कर लेना है। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद सबसे पहले हम एक बैकग्राउंड लेते हैं, हमने ये बैकग्राउंड डाउनलोड किया है, हम इसको ही सिलेक्ट करते हैं। इस बैकग्राउंड की साइज हम रखेंगे 720x900। तो यहाँ पे आप जाके इमेज साइज पर इसको कस्टम करके यहाँ से आप साइज़ बदल सकती हैं, 720x यहाँ पे लिखते हैं 900। इसके बाद हमारी फ़ोटो साइज़ में आ जाएगी। फिर सबसे पहले हमें शेप पर क्लिक करना है, शेप पर जाकर एक रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल को थोड़ा लंबा करके अब इसको हम थोड़ा सा रेडियस देंगे। हमारा रेडियस कम्प्लीट हो गया है, हम इसका कलर बदलेंगे, इसको स्ट्रोक देंगे, स्ट्रोक ब्लैक कलर का देंगे, थोड़ा इसको स्क्रीन पर फिट बैठाएंगे, क्योंकि जिस तरीके का क्रिएशन आपके दिमाग में चल रहा है उस तरीके से आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया, अब हम इसको एक कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद कलर इसका रेड करेंगे, इसको हमें बैकग्राउंड में लगाना है ताकि लगे कि उसका शेडो है, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसका स्ट्रोक हटाते हैं, स्ट्रोक दोनों का हमें हटाना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए एकदम फिट बैठाना है ताकि उसका शेडो लगे, और इसका कलर हम ऑरेंज रखते हैं। यहाँ पे देखिए अब इसका कलर ऑरेंज हो गया है, और इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे तो इससे आपकी फ़ोटो और अट्रैक्टिव दिखने लगेगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पर जाकर आपको लिखना है कि आप सभी सम्मानित बंधुओं को, यहाँ पर हम वही लिखेंगे, यहाँ पर आप आसानी से लिख सकते हैं टेक्स्ट में, यूनिकोड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्ट सिंपल फॉन्ट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसका फॉन्ट हम साहित्य हमने डाउनलोड किया है, हिंदी फॉन्ट का नाम है साहित्य, जो फॉन्ट आज हम यूज़ करने वाले हैं साहित्य बोल्ड, हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसका कलर रखते हैं ब्लैक, क्योंकि वाइट पे हम रखेंगे ब्लैक तभी दिखेगा। उसके बाद हमने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, इस दूसरे वाले टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रंगों के महापर्व, क्योंकि होली की बधाई हम बना रहे हैं तो रंगों के महापर्व, फॉन्ट सेम ही रहेगा साहित्य बोल्ड। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको इसकी साइज़ बढ़ा के इसको यहाँ पे बीच में सेंटर पे सेट कर दिया, दो लाइन हमारी कंप्लीट। अब हम हमारा अगला टारगेट है होली लिखना, तो होली लिखेंगे हम यूनिकोड में ताकि वो थोड़ा स्टाइलिश फॉन्ट हम उसमें यूज़ कर सकें, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्ट है, वो मेन टेक्स्ट है। तो होली हम यहाँ से लिख सकते हैं, ये AMS हमने यूनिकोड में सेलेक्ट किया हुआ है, AMS फॉन्ट ही हम यूज़ करेंगे। हालांकि आप यहाँ पे जो स्टाइल देख रहे हैं हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बस फॉन्ट की कैटेगरी सेम हो। हमने वहाँ से लिख के यहाँ कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया, ये देखिए हमारा कोड आ गया है। अब हम जाएंगे फॉन्ट पे, फॉन्ट्स पे जाके AMS सेलेक्ट करेंगे तो सारे AMS के फॉन्ट खुल जाएंगे। तो आप कोई भी AMS का फॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी एक स्टाइलिश फॉन्ट उठा लेते हैं जो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे, और क्योंकि हमारा एक ही वर्ड है, बहुत सारा वर्ड तो है नहीं, तो हमने ये ले लिया। इसका कलर हम बदलते हैं, ग्रेडियंट रखते हैं कलर, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ये देखिए सिंपल से यूनिकोड वाले फॉन्ट कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन सिर्फ मेन टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे की मंगल कामनाएँ या की शुभ कामनाएँ, हमारा लास्ट टेक्स्ट है ये, तो यहाँ पर हमने लिख दिया ये, नीचे इसको सेट कर दिया। देखिए फ़ोटो धीरे धीरे बनती जा रही है, होली की मंगल कामनाएं। अब हम लेंगे एक शेप, ऊपर शेप पे जाएंगे, शेप लेंगे, एक पतली सी लाइन ऊपर लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों साइड इतना रखते हैं हम, और इसका कलर हम रखते हैं ग्रेडियंट, थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला कर लेने, कलर रखेंगे ग्रेडियंट, हम इसमें देंगे ब्लैक एंड वाइट कलर। तो ये हमारा देखिए लगभग लगभग बनने वाला है कलर, इसका हम ये रखते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, इस टेक्स्ट को इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो इसका कॉपी हो जाएगा, उसे हमें नीचे लाना है, लेकिन वो नीचे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही पतला है जो कि हमारे हाथ के पकड़ में नहीं आ रहा। तो हम इस टूल का इस्तेमाल करेंगे जो कि पिक्सल लैब में ही अवेलेबल है, यहाँ से हम इसको धीरे धीरे खिसकाएंगे। ये टूल्स आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। बस हमारा सेट हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, हम एक अपनी फ़ोटो लगा उठाते हैं, ये फ़ोटो हमने जो कि PNG फॉर्मेट में है साइड में लगाते हैं, और इसमें हम शेडो देने की कोशिश करते हैं,
कॉपी करते हैं, कॉपी वाले फ़ोटो को बैकग्राउंड में लगाते हैं ताकि वो शेडो लगे। तो ये देखिए वाइट कलर का हमने रखा है, अभी हम इसको अभी कलर इसका बदलेंगे क्योंकि वाइट कलर तो अच्छा नहीं लग रहा। कलर पे जाएंगे, ग्रे ले लेंगे क्योंकि ग्रे थोड़ा सा हमें शेडो दिखाना है, जैसे आदमी की परछाई होती है आप देखेंगे तो हल्का ब्लैक और ग्रे कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे, ओपेसिटी इसकी कम कर देते हैं ताकि शेडो लगे और ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसके बाद लेंगे एक शेप, यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है, यहाँ पे रैंडम हम नाम लिखेंगे कुछ भी, जैसे आप अपना लिख सकते हैं कि आप किस पोस्ट पे हैं, किस पद पे हैं। शेप में जाकर आप यहाँ पे शेप का कलर बदल दीजिए, हमने रख लिया ब्लू, ग्रेडियंट ब्लू जिसमें ब्लू और वाइट है हल्का, और यहाँ पे इसमें इसको भी शेडो देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। शेडो पे क्लिक कीजिए, थोड़ा सा इनेबल कर दीजिए शेडो, शेडो हमारा हो गया कम्प्लीट। अब हम चलेंगे टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में हम कुछ भी रैंडम चीज़ लिख देंगे, हम लिख देंगे कि जैसे आप अगर बना रहे हैं प्रधान के लिए या फिर प्रधान छोड़िए विधायक, अगर हम लिखते हैं विधानसभा सदस्य, क्योंकि विधायक तो वही होते हैं, लोकसभा सदस्य लिखेंगे तो सांसद हो जाएंगे, तो विधानसभा सदस्य जिला का नाम, कहाँ की विधानसभा सदस्य, प्रतापगढ़ के विधायक। तो हम ऐसे ही कुछ पोस्ट यहाँ पे लिख रहे हैं। टेक्स्ट पे चलेंगे, टेक्स्ट पे लेंगे खंड बोल्ड, सिंपल फॉन्ट है, यूनिकोड का बार बार इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बार बार उधर से लिखना, कॉपी करना, फिर इधर, इसलिए हम सिंपल फॉन्ट को ही आपको दिखा रहे हैं। सिंपल फॉन्ट ही नॉर्मल जो टेक्स्ट है उसमें सिंपल फॉन्ट यूज कीजिए। मेन टेक्स्ट पे यूनिकोड विधानसभा प्रतापगढ़, इसमें हम कलर ब्लैक रखते हैं। देखिए फोटो हमारी लगभग लगभग बन चुकी है। अब हमें एक चीज़ और करना है, हम चलते हैं डाउनलोड में, हमने ये होली का जो सिलेक्ट किया हुआ क्लिप आर्ट ये लाते हैं और इसको की मंगल कामना है कि नीचे सेट कर देते हैं, यहाँ पे PNG फॉर्मेट में है तो कोई इशू नहीं है। दूसरे वाले को भी कॉपी करेंगे, फिर थोड़ा छोटा रखेंगे, ये सब आपको अपने हिसाब से करना होगा, आप छोटा रखना चाहते हैं, बड़ा रखना चाहते हैं, कैसे अच्छा लगेगा, वो सब आपको सोचना होगा, आपका क्रिएटिव माइंड ये बताना चाहिए। तो अब हम चलते हैं फिर डाउनलोड में और यहाँ से हमने कलर का एक वो डाउनलोड किया हुआ है क्लिप आर्ट, कलर का ये उठाते हैं, इसको हम लगाएंगे अपने पीछे, ये देखिए फ़ोटो के पीछे, थोड़ा सा और बड़ा करके बैक में भेज देंगे इसको। बैक पे क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए, दोनों को बैक में कर देते हैं ताकि हमारा जो लिखा हुआ है वो भी उभर के आए और ये भी पीछे रहे, क्योंकि होली का है तो होली लगनी चाहिए फ़ोटो में, होली की क्लिप आर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस हमारी फ़ोटो बनकर रेडी है, ऐसे ही फ़ोटोज़ आप अपने मोबाइल से बनाइए, आसानी से लोगों को भेजिए और सबको चौंका दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ़ोटो को सेव कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए, फिर मिलेंगे ऐसे ही क्रिएशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएँ, नमस्कार।